Pride and Prejudice. Adiwane Ghalib. Favorite book ka naam shayad Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle. My favorite book is Angels and Demons. Because you can connect with the characters. Kyunki Ghalib jaisa koi nahi, kyunki Ghalib का मतलब गालिब की गजलों से हर कोई रिलेट कर सकता है. उनके जो शेर होते हैं हर वक्त हर कहीं किसी भी जगह काम आ जाते हैं. मतलब जैसे एक है जो मैं अक्सर बोलता भी हूँ, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है. Because first I've always liked classic books and secondly I've always admired Jane Austen. So the main character, the protagonist in this book as well is sort of an image of her. ये एक ऐसी किताब थी जिसने मुझे उर्दू लिखना सिखाया. बात ये थी कि मैंने जॉन एलिया के बारे में तो मैंने बहुत सुन रखा था. ये शायद के बारे में मैंने इतना सुन रखा था, मैंने सुना था कि शायद का जो दिबाचा है जैसे कि इंट्रोडक्शन कहते हैं वो 45 पेजेस का है. और वो जॉन एलिया ने एक रो में कह दिया था जैसे कि एक्सटेम्परी कहते हैं, फिल्मी कहते हैं. तो वो जो दिबाचा है उस किताब का वो आज तक उर्दू की सबसे अच्छी नज़रों में से एक मानी जाती है. Because I love the narrative style that it follows. Sir Conan Doyle himself, being a doctor, has written it so beautifully, and he has used his knowledge of medicine. I love the way it has been written by Dan Brown. I love the mystery, the way it has been shown. It's a quite nice book. ख्यालातों का अंदाज़ा हो जाता है. अलग अलग तरह, अलग अलग जो ख्याल हैं, अलग अलग सोच जो है. और ऑब्वियसली जबकि राइटर लिख रहा है तो वो जनता से कम्युनिकेट कर रहा है. जब सबसे वो कम्युनिकेट कर रहा है तो इतना काबिल होगा, ज़रूरी नहीं सब हो, बट काफ़ी सारे लोगों के खैर ख्याल मिलते हैं, काफ़ी सारे जानने को, काफ़ी सारे ओपिनियन मिल जाते हैं. इसलिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए. किताबें हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी जिंदगी होती है और हर कुछ हम खुद से तो नहीं जान सकते. तो किताबों का बहुत बड़ा अहम एक हिस्सा, एक अहम योगदान होता है हमें बीती दुनिया का बताने. हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि आज तक जहाँ तक दुनिया पहुँची उसे आगे ले जाएं. ये आज तक दुनिया कहाँ तक पहुँची है इसे बताने का जरिया किताबों से अच्छा कुछ नहीं हो सकता. और एक इंसान को नया इंसान बनाने में जो जरिया किताब बन सकता है उसका निशाना कोई और फन नहीं हो सकता. For me, a book is like a friend which never leaves you. You know, it teaches you so many things and still you can trust it.